हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी मित्रों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एस एस एजुकेशन स्टडी पर। तो दोस्तों, यहाँ पर हम आपको बताएंगे, आप लोगों ने थंबनेल पर देख लिया होगा कि ट्रिपल सी एग्जाम को किस तरीके से हम पास कर सकते हैं बिना पढ़े हुए भी। थोड़ा बहुत तो पढ़ना ही पड़ता है भाई, आप अगर थोड़ा बहुत पढ़ेंगे तो आप पास कर सकते हैं ट्रिपल सी एग्जाम को भी। तो चलिए, यहाँ पर हम बताएंगे इस वीडियो में कि हमने कैसे पास की थी बिना पढ़े हुए। हमने कभी ट्रिपल सी की ना तो बुक पढ़ी ना तो कुछ पढ़ा, और हमने इस तरीके से की एक ट्रिक फाइंड की। हम एक बुक लाए थे प्रैक्टिस सेट, उससे इस तरीके की ट्रिक फाइंड की। ये ट्रिक आपको कभी भी किसी ने नहीं बताई होगी, जो हम आपको ये ट्रिक यहाँ पर बताएंगे। आप लोग इस ट्रिक को देख लीजिएगा, जिससे कि आपको कोई भी कभी भी एग्जाम में दिक्कत नहीं होगी ट्रिपल सी एग्जाम्स के लिए। और आपको बता दें, ट्रिपल सी जो एग्जाम है, ये आपका अब लेखपाल की जो वैकेंसी आने वाली है उसमें भी मांगा जा सकता है, मांगा जाएगा, और बीडीओ की वैकेंसी में मांगा जाता है। काफ़ी वैकेंसियाँ आती हैं जिसमें कि ट्रिपल सी सर्टिफिकेट मांगा जाता है। अब कहने का मतलब यह है कि ट्रिपल सी जो आपका है वो पास होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि आपके पास चाहे डी हो, चाहे ए ग्रेड हो, चाहे बी हो, चाहे सी हो, बस आपको पास जो ट्रिपल सी का डिप्लोमा होना चाहिए वो क्वालिफाई का होना चाहिए। अब हम आपको सबसे पहले तो कुछ चीज़ें बताएंगे, जैसे आपको ये बता दें कि आपके एग्जाम में आ क्या क्या सकता है, यानी आपके एग्जाम में आता क्या क्या है। सबसे पहले ये बता दें, जरूरी नहीं भाई, ट्रिक को भी आप याद रखेंगे, ट्रिक तो भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले थोड़ा यानी 1 मिनट आपको देना है हमारे साथ कि आता क्या क्या है। तो हम आपको बता दें, आपको क्या करना है कि कंप्यूटर की जो हिस्ट्री होती है, आपको कंप्यूटर की हिस्ट्री को तैयार करना है। सबसे पहले कंप्यूटर की, जब आप हिस्ट्री को तैयार कर लेंगे, हिस्ट्री में आपको क्या क्या तैयार करना है, हार्डवेयर तैयार करना है, हार्डवेयर के बारे में कुछ, इसके बाद में सॉफ्टवेयर, क्योंकि हम 50 क्वेश्चन की ट्रिक बताएंगे और 50 आपको करने होंगे, लेकिन पासिंग मार्क्स 50 ही होता है। फिर भी जैसे आप बुक ले लेना, कुछ आपको तैयार कर लेना है, 10 से 15 नंबर की हिस्ट्री आती है कंप्यूटर से रिलेटेड। इसके बाद में आपको हम बता दें, हिस्ट्री के बाद में आपको तैयार क्या करना है, आपको तैयार करना है एमएस वर्ड थोड़ा बहुत पढ़ लेना है, ऑपरेटिंग सिस्टम थोड़ा बहुत पढ़ लेना है, विंडो 7, विंडो 8, विंडो 10, एमएस एक्सेल थोड़ा पढ़ लेना है, WW कहने का मतलब है, आपको बेसिक ज्ञान जानना है, ईमेल के बारे में जानना है, आपको एमएस पावर पॉइंट के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेना है, डिजिटल फाइनेंस यानी बैंक के बारे में, अकाउंट के बारे में, भारत सरकार के द्वारा योजनाएं चलाई गई, क्योंकि 5 क्वेश्चन जीके से भी आ जाते हैं, ये चीज़ें आपको देख लेनी है। अब हम आपको बता देते हैं पासिंग मार्क्स, यानी जो डी ग्रेड जिनको मिलता है 54% तक, जो मतलब 50% में पासिंग हो जाता है, 54% तक जिनका रहता है उनको डी ग्रेड, सी ग्रेड वालों का 64% तक जिनका होता है उनको सी ग्रेड, और बी ग्रेड वालों का 74%, और ए ग्रेड वालों का होता है 84%। तो दोस्तों, आपको हम बता दें इस तरीके से आपके नंबर आने होते हैं। तो 40 नंबर तो हम आपके लिए मतलब ला ही देंगे। किस प्रकार आपको 40 नंबर लाने हैं, ये अब आपको हम बताते हैं। चलिए, अब वीडियो स्टार्ट करते हैं, आपको मतलब बिल्कुल प्रैक्टिकली दिखाएं, आपको हम प्रैक्टिकली दिखाते हैं। ये देखिए, क्वेश्चन आपके सामने, जैसे आपके ट्रू एंड फॉल्स के क्वेश्चन लगभग 50 आ जाते हैं, लगभग 50, नहीं तो 40 से 45 तो रहते ही रहते हैं, 40 से 45 तो रहते ही रहते हैं, क्योंकि हमने एग्जाम दिया था तब 50-50 थे, 50 में 5 क्वेश्चन जीके के थे और 45 क्वेश्चन ट्रू फॉल्स के थे, तो वही 40 से 45 तक रहते हैं। जीके के भी कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, दो चार, एक आध मैथ का भी आ सकता है। तो यहाँ पर आपको करना क्या होता है, अब आपको ये समझना है, जो ट्रिक है वो यहीं पर है। देखो, आपको जो ट्रू फॉल्स क्वेश्चन मिलेंगे, जैसे आपका ये क्वेश्चन है, ईमेल के डाटा का फोल्डर बनाकर सुरक्षित रख सकते हैं, आपको क्या देखना है, बस इतना देखना है कि प्रश्न में कहीं नहीं तो नहीं आया है, कहीं पर नहीं शब्द तो नहीं आया है, यानी नॉट तो नहीं आया है, आपको इतना देखना है। अगर नॉट नहीं आया है तो आपको हमेशा ट्रू कर देना है, बस समझने वाली बात इतना ही है, जो आपकी ट्रिक है वो इतनी ही है। जो आपको ये देखना है कि हमारा क्वेश्चन जो दिए गए हैं ट्रू फॉल्स वाले, उसमें कहीं पर नहीं का प्रयोग ना हुआ हो, बस इतना याद रखना है, जिसमें नहीं ना लगा हो उसमें आप ट्रू कर देंगे, और जिसमें नहीं का प्रयोग हुआ होगा उसमें आप फॉल्स। देखो, हम आपको लगातार क्वेश्चन दिखाएं, ये आपका 57 नंबर पेपर है 2016 वाला, हमने फोटो लगा ली है वहां से। देखो, इसमें कहीं पर नहीं नहीं आया, ट्रू हुआ, एक आंसर सही है। 58 में कहीं पर नहीं का प्रयोग नहीं है, ट्रू हुआ, यानी ये आंसर सही है। 59 में कहीं पर नहीं का प्रयोग नहीं हुआ, यानी ए हुआ ट्रू। तो और आपको दिखाते हैं उदाहरण, आप लोगों को विश्वास के तौर पर और उदाहरण दिखाएंगे। ये देखो, हम अधिकतम 100 लोगों को ईमेल भेज सकते हैं, ये तो खैर आया नहीं है पूरा, ये आया है। जब हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को एक्सेस कर रहे होते हैं तब नेट का प्रयोग नहीं कर सकते। अब देखो, नहीं का प्रयोग यहाँ पर हो गया। अब हमने क्या कहा था, जहाँ पर नहीं का प्रयोग ना हो
वहां पर आप ट्रू करेंगे, और जहां पर नहीं का प्रयोग हो जाएगा वहां पर आप करेंगे फाल्स। अब ये देखो फाल्स आपके सामने, प्रूफ आपके सामने है, जहां पर नहीं का प्रयोग वहां पर फाल्स। अब देखो आपको दिखाते हैं शायद और होंगे क्वेश्चन। हाँ, सुपर कंप्यूटर समांतर का उपयोग करते हैं। अब देखो नहीं का कहीं प्रयोग हुआ है, देखो ट्रू आया आंसर। फिर इसके बाद यूजर नेम तथा डोमेन नेम को एट द्वारा अलग किया जाता है, देखो ट्रू आया। कहीं पर नहीं का प्रयोग हुआ, नहीं हुआ। अब आपके सामने ही हमने आपको 6 क्वेश्चन ऐसे दिखा दिए जिसमें ट्रू और एक नहीं वाला दिखा दिया, यानी फाल्स। 7 नंबर तो यही देखो पक्के आपके करवा दिए। अब पूरा पेपर तो लगा नहीं सकते थे, सिर्फ आपको प्रूफ दिखाने के लिए दिखा दिया कि इस तरीके से आपको करना है। जिसमें नहीं लग जाए उसमें आप फाल्स कर देना, जिसमें नहीं ना लगा हो उसमें आप ट्रू करते जाना, आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। अब अगर आपने 40 क्वेश्चन में, हम कहते हैं 2-3 क्वेश्चन में ट्रिक, मतलब 2-3 क्वेश्चन गलत हो जाएंगे, पर 40 से 45 यानी 45 क्वेश्चन में आपके 40 तो सही पक्के हो गए। अब आपको लाना कितने हैं, 10 से 12-13 नंबर, यानी 10-11-12 नंबर तो आप ला ही सकते हो यार। कम से कम जो आप पढ़ोगे थोड़ा बहुत, आप पढ़ोगे जीके के 2-3 अगर आपने सही कर लिए, और इसके बाद में कुछ आपने मतलब पढ़ के जाओगे थोड़ा बहुत तो यार पढ़ना ही पड़ेगा। 10 क्वेश्चन तो आप सही कर सकते हो, माइनस मार्किंग होती नहीं है। अगर आप 50 में तुक्का भी लगाना स्टार्ट कर दोगे फिर भी यार आपके 10 सही हो जाएंगे। आप बिल्कुल भी नहीं, हमने आपसे यहाँ पर लिखा है कि बिना पढ़े, तो हम आपका बिना पढ़े ही आपको बता रहे हैं, आपको बिल्कुल भी ना पढ़ना। आप तुक्का लगा देना पूरे पूरे पेपर में, फिर भी आपका अनुमान लगा के अगर 50 क्वेश्चन करेंगे 10 सही हो जाएंगे। यार 50 में आप 10 तो सही कर ही सकते हो तुक्का लगा लगा के, तो आपका बिना पढ़े एग्जाम हो जाएगा क्लियर। तो दोस्तों अगर आपको ये ट्रिक अच्छी लगी हो, समझ आई हो, अगर समझ ना आई हो तो आप कमेंट में बताना, फिर से एक बार आपको समझा दी जाएगी। और आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना अगर चैनल पर नए हो, और दोस्तों को शेयर करना ताकि आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करके एक बार जरूर बताना कि आपको वीडियो किस प्रकार लगी। थैंक यू दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी।